लड़ रहे हो, पर बायतू के कैलाश भी पहुंच गए, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सबको फायदा आप लोग मिलकर दोगे। और करण साहब, आपने पहली दफा झुक के प्रणाम किया, एक दफा झुक के और दिखा दो हमें, झुक के वहां वहां मेरे को नहीं उधर उधर झुक के प्रणाम, इसका बहुत मजाक हो गया भाइयों। आपने सुना कि नहीं सुना, मोदी जी के बाप कहाँ से आते हैं, मोदी जी की माँ कहाँ से आती है, मोदी जी की जाति क्या है, वसुंधरा झुकती क्यों है, उल्टी क्यों खड़ी हो जाती है, सामने क्यों नहीं खड़ी होती है, पीछे क्यों खड़ी हो जाती है। इसलिए आज मजाक कर रही हूं मैं, आपने झुक के प्रणाम हम लोगों को किया। भाइयों बताओ मुझे, आप अपने घर के अंदर अपने बड़ों के पैर छूते हो कि नहीं छूते हो? आप अपने बड़ों का आदर करते हो कि नहीं करते हो? तो मुझे बताओ, अगर मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष, जिसने सालों साल काम करके इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है राजस्थान के अंदर, अगर मैं उसके सामने झुक गई तो क्या बुरा हुआ? अगर मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे पूरे देश के पार्टी को संभालता है, अगर उसके सामने मैं झुक के प्रणाम किया तो कोई बुरा हुआ? और हमारा प्रधानमंत्री, जो हमारे पूरे परिवार का मुखिया है, अगर उसके सामने मैंने झुक के प्रणाम किया तो कोई बुरा है? तो इसी में, जब लोगों के पास कुछ कहने को नहीं है ना, तो ऐसी चीजों के अंदर सबको उलझाने की कोशिश करते हैं। आप बातों में मत आना, ये कहते रहे जो अपनी बात है। आप तो उनसे ये कहना कि हमें ये बताओ कि 65 साल के अंदर आपने क्या काम किया है, इतना ही बता दो। किसको पानी पिलाया, कहां रोड बनाए, कहां बिजली दी, कौन सी फैक्ट्री खड़ा की, क्या फायदा हमारे इस क्षेत्र को दिया? और अगर आपने फायदा नहीं दिया है तो मेहरबानी करके रास्ते से हट जाओ, अब हमारे पास समय नहीं है, हमको आगे चलना है और हम चल के इस बाड़मेर को ऐसा स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। मैं मानती हूं कि एक दिन दो दिन में नहीं होगा, पर 5 साल के अंदर बदलाव आया है और मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ऐसे ही हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको इसकी फिर किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। आज